नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं लेकर आती हूँ वेज रेसिपीज़ जो कि बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और टेस्टी भी बनते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जिसे कहते हैं भाकरवाड़ी। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और 3 चम्मच बेसन और 1 कप लेंगे हम सेब भुजिया, और ये मोटे वाले सेब नहीं है, जो मीडियम पतले वाले होते हैं वो सेब है। और ये है सूखा नारियल का पाउडर। आप यहाँ पाउडर की जगह सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सफ़ेद तिल लगभग 3 चम्मच। अब हमने लिया है इमली की मीठी वाली चटनी, ये मैंने गुड़ के साथ बनाई है तो मीठी है। और ये है कुछ मसाले जिसमें हम और भी कुछ ऐड करेंगे। बाकी बेसिक मसालों में है नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। और बाकी हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच गोटा जीरा, और आगे हम और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इससे जो बनता है नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाय के साथ जब खाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमें जीरा को रोस्ट कर लेना है। एक पैन में हम जीरा को रोस्ट कर ले हैं, और ये रोस्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 70 सेकेंड से 75 सेकेंड तक लगेगा, और इतने में ये रोस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तिल। इस तिल को भी हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, यानी कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। बस जैसे ये फूटना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप समझिए कि रोस्ट हो जाएगा ये। तो लगभग 50 से 60 सेकेंड में ये रोस्ट हो जाता है। देखिए, फूटने लगा है तिल और ये रोस्ट होकर तैयार हो गया है। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया। अब इसी पैन में हम लगभग 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल ऐड कर रहे हैं। और इस तेल को हम थोड़ा गुनगुना कर लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लेकिन गर्म करना है। और इस तेल को हम यूज़ करेंगे डो बनाने में। तो हमने तेल को गर्म कर लिया है, और एक पतीले में हम ले रहे हैं मैदा और बेसन। अब हम डो बनाएंगे इसका, तो हमें एक बर्तन में ले लेना है और इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ आधा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कीजिए, ज़्यादा या कम। और इसमें जो हमने तेल गर्म किया था वो ऐड करेंगे, और उस तेल को हमें इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि कोई भी लम्ब्स नहीं रहे और कोई भी गुठलियाँ नहीं रहे। और हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसका बिल्कुल कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मिक्स करने के बाद। तो हमें दोनों ही हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। पहले हम एक हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद दोनों हाथ लगाकर हथेलियों से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। तो आप देखिएगा, थोड़ी देर के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ये इसमें बाइंडिंग आने लगती है। तो ऐसा करने से जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये तो बेसिक सी बात है, अगर हम नमकीन भी बनाते हैं या फिर कुछ भी क्रिस्पी चीज़ बनाने जाते हैं तो इस तरह से ऑयल ऐड करते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे मैश करते हैं। ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, और इससे जो है बहुत ही खस्ता बनता है आप जो भी बनाइए। तो इस तरह से देखिए बाइंड होने लगा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है एक ही साथ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करिए। नहीं तो अगर एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा गीला हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच कर करके डालिए। तो मैंने भी अभी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला और अभी एक डो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी ये बहुत टाइट है तो थोड़ा पानी और लगेगा। तो और लगभग 1 चम्मच पानी मैंने ऐड किया है, उससे भी कम। और इसका अब इतने ही पानी में मैं डो तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना कम पानी हो सके यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा गीला कर देगा और फिर आपके जो भाकरवाड़ी है वो अच्छे खास्ता नहीं बनेंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से डो हमने तैयार कर लिया, और लगभग 2 चम्मच तेल से इसकी ऑयलिंग कर दे रही हूँ। और ऑयलिंग करके हमें
थोड़ा अच्छे से इसे चिकना कर देना है और फिर लगभग 20 मिनट के लिए ढक कर रख देना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। तो हमें इसे अच्छी तरह से ढक कर रख देना है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, यानी कि खुला नहीं रहना चाहिए ऐसा ढक्कन से आप ढके, क्योंकि खुला रहेगा तो फिर ऊपर की जो लेयर है वो कड़ी हो जाएगी। तो अब हम जो तिल और जीरा रोस्ट किए थे उसे एक मिक्सर जार में डाल दे रहे हैं और इसके साथ ही डाल रहे हैं ड्राई कोकोनट पाउडर और ये सेब भुजिया आधा कप और ये मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं। और अब ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर हमें 2 चम्मच ऐड करना है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। धनिया हमने 1 चम्मच डाला था, अब मैं और 1 चम्मच डाल रही हूँ और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है मैंने। अब इन सबको हमें एक साथ मिक्स कर लेना है, लगभग 30 से 40 सेकंड तक आप ग्राइंड कीजिएगा तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है और किनारे से थोड़ा चिपक गया था तो मैं उसे निकाल दी हूँ। इस तरह से चिपक जाएगा यानी कि मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा सा, तो इस तरह से हमें चम्मच से साइड से निकाल लेना है। अब 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है। देखिए ये फूल गया है थोड़ा सा, आपके इसके ऊपर की जो लेयर है इसमें आपको गोल गोल बूंदे दिखाई दे रही होंगी, तो इस तरह से फूल जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, यानी बेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, चिकना हो जाता है ये। तो हम इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से इसके लोई काट लेंगे। तो यहाँ 3 लोई बने हैं और हम इसे एक राउंड शेप दे दे रहे हैं ताकि इसे बेलने में आसानी हो। थोड़ा सा दबाते हुए इसे शेप देंगे ताकि चिकना बने, ये बिल्कुल जैसे रोटी के लिए होता है उसी साइज़ का है, आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये मीडियम साइज़ के हैं और ये 1 लोई को मैंने लिया है और इसमें ऑयलिंग तो मैंने पहले से की हुई थी इसलिए और ऑयल नहीं लगाया है हमने। तो इस तरह से हमें बेल लेना है जैसे एक चपाती बेलते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो आपको पकाने में टाइम लगेगा या फिर आप जल्दी निकाल देंगे उसे कढ़ाई से तो ठीक से पकेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा पतला होगा तो हो सकता है कि फट जाए पकाते वक्त, बहुत ही कमज़ोर सा हो जाता है लेयर। अब हम इसे एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो एक सही शेप आए, तो इसलिए साइड के किनारों को हमने हटा दिया है और एक रेक्टेंगुलर शेप दिया है। और इसमें थोड़ा इमली का चटनी इस तरह से लगा देंगे हम, आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी इसमें लगा सकते हैं इसके बेस में। तो मैं इमली का मीठा चटनी लगा रही हूँ और इसे लगाने के बाद इसमें मसाले जो हमने पीस कर तैयार किए हैं वो ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और इस समय ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक साइड है उसे हमें थोड़ा सा ब्लैंक रखना है ताकि हम उसे चिपका सके, क्योंकि चिपकाते वक्त जो है अगर मसाले आ जाएंगे एक साइड में तो फिर अच्छे से चिपकेगा नहीं। और इस तरह से हमें ऊपर से सेब भी थोड़ा डाल देना है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी साइड साइड में है उसे हटा देना है हमें, और इस तरह से हमें एक बार बेल लेना है ताकि बिल्कुल समान हो जाए चारों साइड से, कहीं से ज़्यादा मोटा कहीं से ज़्यादा पतला नहीं रहे। और देखिए साइड साइड से थोड़ा थोड़ा ब्लैंक है तो ये मैंने इसलिए ब्लैंक रखा है ताकि हम इसे सही से मोड़ पाए। देखिए जहाँ से हमने ब्लैंक रखा था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर चिपकाना है जो मसाले हैं उस पर, अच्छे से चिपकाना है फर्स्ट वाले लेयर पे, तो बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान देना है क्योंकि अगर ये ढीली होगी तो आपका पूरा का पूरा जो रोल है वो ढीला हो जाएगा। और आगे भी जितनी भी आप रोलिंग करें पूरी टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल ढीला ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से रोल करते वक्त लग रहा है कि अंदर से ढीला ढीला है तो आप फिर से उसे रोल कीजिए, यानी कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से वो मसालों से चिपक जाना चाहिए। और ये जो साइड वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा पानी लगाकर हमने चिपका दिया है ताकि छानते वक्त वो खुले नहीं। और इस तरह से एक बार अपवर्ड साइड हमें इसे रोल कर देना है
ये जो रोलिंग है इससे पूरा समान हो जाएगा, मसाला बिल्कुल समान हो जाएगा चारों साइड से, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रहेगा, एक अच्छा शेप आएगा और अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो ये हमें लगभग 7 से 8 बार इस तरह से रोल करना है और एक ही साइड करेंगे, दोनों साइड नहीं। तो देखिए बिल्कुल समान हो गया है सभी साइड से। और एक चाकू लिया अब हमने और उसे थोड़ा सा ग्रीस कर ले रही हूँ मैं, ताकि आसानी से कटे, चिपके नहीं कहीं भी। और साइड वाले पार्ट को पहले मैं थोड़ा हटा दूँगी, क्योंकि साइड वाले का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, इसलिए साइड वाले को हटा देंगे। इसे भी छान लेंगे, मगर अभी मैं आपको दिखाने के लिए, शेप दिखाने के लिए हटा दे रही हूँ। और फिर नेक्स्ट जो शेप आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि भाकरवाड़ी किस तरह से बनते हैं और मार्केट वाले भाकरवाड़ी का शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से काटना है और सारे पीसेस हमें पतले पतले साइज में काट के अलग कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आप हड़बड़ी में मत काटिए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा आसानी से, इसका शेप खराब हो जाता है, इसलिए ध्यान से काटिए। तो ये देखिए इस तरह से रहता है, बिल्कुल पैक मसालों से, चारों साइड से एक लेयर रहती है मैदा और बेसन की। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में रख दे रहे हैं। यहाँ मैंने राउंड शेप दिया है, आप चाहे तो इसका ट्रायंगुलर शेप भी बना सकते हैं। मैं एक आपको ट्रायंगुलर शेप भी करके दिखाऊंगी, ये हमने बिल्कुल राउंड वाला बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे बाकरवाड़ी तैयार हो गए एक लोई के। और एक नेक्स्ट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सेम उसी प्रोसेस से। इसमें भी उसी तरह से इमली की चटनी हमने पहले लगा दी है और उसके बाद फिर मसालों को डाल रही हूँ। और ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए चारों साइड से। और इस तरह से हमें सेब भी बिछा देना है इसके ऊपर और थोड़ा सा रोल कर देना है बेलना से। और फिर जो साइड का पोर्शन है हमने ब्लैंक किया थोड़ा, और ऐसे करके चिपका रही हूँ मैं उंगलियों की हेल्प से। और चिपकाते चिपकाते हुए ही रोल करना है, नहीं तो फिर गैपिंग रह जाएगी बीच बीच में और फिर आपके जो पीसेस हैं वो ढीले ढीले बनेंगे और फिर आप जब छानेंगे तो थोड़ा सा वो ढीले ढीले ही निकलेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भी तैयार कर लिया है। और इसी तरह से ऊपर ऊपर एक ही साइड हमें इसे रोल करना है। और अगर जैसे मेरा ये निकल गया है, चिपका नहीं था, तो मैं इसे थोड़ा सा और पानी लगाकर चिपका दी हूँ। तो इसी तरह से अगर आपके साथ भी हो तो आप भी थोड़ा सा पानी यूज़ करके उसे चिपका दीजिए। और साइड के पोर्शन को हटा के मैं बाकी पीसेस कट कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से कट हो जा रहा है और शेप भी अच्छे बन रहे हैं। इन सबको भी मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए जो ट्रायंगुलर शेप में कह रही थी वो इस तरह से कर सकते हैं, जब हम रोल कर दे उसके बाद हाथों से इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसके लिए, उसी तरह से रोल करना है और फिर हाथों से दबाते हुए इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना सकते हैं आराम से। एक साइड से पहले थोड़ा सा एक शेप देंगे ट्रायंगल का और फिर दूसरे साइड से, तो चारों ही साइड से अच्छे से बन जाएगा। देखिए ट्रायंगुलर बना है, ये भी बिल्कुल अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छे से पैक रहता है, ये भी आप करके देख सकते हैं। जो सर्कुलर शेप होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी ढीला रह जाता है अंदर से, तो इस तरह से दबाते हुए आप ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं जिससे कि मसाले बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए डो में। तो हमने सारे जो पीसेस है वो कट करके तैयार कर लिए हैं और तेल को हमने गर्म कर लिया है छानने के लिए, और गर्म करके ठंडा भी कर दिया है गैस ऑफ करके, यानी कि जब हम भाकरवाड़ी डाल रहे हों तो फ्लेम ऑफ रहना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल गर्म तेल में डालेंगे तो भाकरवाड़ी बहुत ही जल्दी फूल जाएगी और हो सकता है कि फट भी जाए, बहुत सारा उसका मसाला निकल भी सकता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए तेल को अच्छे से पहले गर्म कर ले यानी कि पका ले, उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ जरूर कर दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद सारे भाकरवाड़ी को डालिए और देखिए डालने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाता है 2 मिनट के बाद। और अब मैं लो फ्लेम पर इसे पका रही हूँ, लो फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें इसे पकाना है।
और 5 से 6 मिनट में हम बीच बीच में इसे इस तरह से पलट भी देंगे ताकि दोनों ही साइड से पक जाए। और 5 से 6 मिनट के बाद हमें फिर इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दोनों ही साइड से पका लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं बहुत ही अच्छे से, और अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो शेप भी अच्छे आए हैं और कुछ भाकरवाड़ी जो है थोड़ा सा लूज़ भी हो गए हैं, तो एक दो इस तरह से लूज़ हो सकते हैं लेकिन बाकी जो है अच्छे बनेंगे। तो बाकी को भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है, देखिए फ्राई कर रही हूँ अभी। इसे भी हमने उसी तरह से तेल को ठंडा करके ही डाला था और फिर लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका ली हूँ दोनों साइड से, और फिर हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका ली हूँ। तो देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है और बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। तो हम अभी इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा चाय के साथ, और बहुत ही अच्छा भी दिखता है। आप किसी भी मेहमान को दीजिए तो वो खुश हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा इसे मीठा ऐड करना चाहते हैं तो मसाले जब बना रहे हों तो उसमें 1/2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं जब आप मिक्सी में पीस रहे हों। तो देखिए बहुत ही अच्छा शेप आया है, मसाले इसमें अच्छे से अंदर से पैक है। और दोस्तों हो सकता है कि एक दो जो है थोड़ा ढीला बन जाए लेकिन बाकी सारे अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी भी है, बहुत ही अच्छे से टूट गया, बहुत अच्छा खस्ता बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए चाय के साथ, नाश्ते के साथ, और मुझे बताइए कि आपकी भाकरवाड़ी कैसी बनी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।